खान एंड इन दिसम गोइंग टू सरोजी नगर फॉर सम विंटर शॉपिंग सरोशी नगर फॉर दो बट आई डोट्लोर मोर ऑफ सरोजी नगर दिस ईयर की इस बार क्या नया आया है ऑल्सो जो आप मिंत्रा आजियो या फिर बैनिक पर देखते हो वो सारे आइटम्स आपको सरोजी नगर में मिल जाते हैं अगर आप उससे अच्छे से ढूंढो तो सो so, या yeah, अभी जल्दी से रेडी होते हैं फिर पकड़ते मेट्रो सीधा सरोशनी नगर मेट्रो स्टेशन तक सो फॉर टूडेट आई एमरी लूज स्टॉप विदर ब्लैक सरोशनी में आपको कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ होती है लेट्स इन टू अब जस्ट एयरपोर्ट ऑफ लेट लेट्स डू दिस ऑल राइट गाइज़ आप देख सकते हो मैं पहुंच गई सरोजी नगर मेट्रो स्टेशन पे और जब मैंने यहाँ पे भीड़ देखी ना ऑल्सो आई वॉज रेडी बिफोर बट इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी भीड़ देखते साथ आई वॉज लाइक आज तो कुछ नहीं हो पाना है बट क्योंकि अब मैं आ चुकी थी तो मैंने सोचा यार थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ही लेते हैं जैसे ही मैं अंदर गई मेट्रो स्टेशन से तो आई सॉ दिस फर्स्ट शॉप ऑन माई लेफ्ट जो बेच रहे थे वन फिफ्टी रुपीज़ के लोअर बट इनकी क्वालिटी वज़ नॉट दैट गुड मेरे पास ऑलरेडी दो लोअर हैं इन वन वाइट एंड दी अदर वन इज़ इन ब्लू बट उनका फैब्रिक वॉज रियली गुड सो आई डिड नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम आगे बढ़ते आई सॉ दिस एथनिक शॉप एंड अ ज्वेलरी शॉप एथनिक शॉप का जो प्राइस थे कुर्तीज का वो अराउंड अरा सिक्स हंड्रेड रुपीज़ तो मैं पहुंच गई थी ज्वेलरी शॉप पे आगे क्योंकि मुझे समझ नहीं आया ये जब ज्वेलरी देख रहे हो ना लाइक इयर रिंग्स दिज वो फॉर थर्टी रुपीज आगे बढ़ते ही यहाँ पे एक थर्डी थी हंड्रेड रुपीज़ के ना आई सॉ दिस लेजिट ऑन सेम एंड क्वालिटी गुड तो हंड्रेड रुपीज़ में लाइक कि हाँ वर्थ इट तो है और भी कलर के टॉप्स थे नेकलाइन वगैरह सो ठीक लगे मेरे को फिर सामने एक रेड कलर की ड्रेस दिखी फॉर मैं बर्थडे पार्टी बट मैंने कहा नहीं यार अब तो इतनी ड्रेसेस हो गए हैं अब नहीं फिर मैं मम्मा के लिए शॉल देख रही थी बट मैं कलर में फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि कौन सा कलर किस पे जाएगा तो बट अगर आपको लेना हो तो आप भले ही ले सकते इनका मटीरियल वॉज रियली गुड दीज़ वर फॉर रुपीज़ हंड्रेड टू वन फिफ्टी रुपीज़ डिफ़र कर रहे थे देन आगे चलते ही जो पुराना वाला स्टॉल था ना उसके जस्ट आगे ये लोअर की शॉप थे इन इनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट थी बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे एंड द फैब्रिक वॉज रियली गुड इसी टाइप का फैब्रिक के लोअर है मेरे पास जो मैं विंटर्स में पहनती हूँ क्योंकि वार्म बहुत करते हैं दीज व फॉर रुपीज टू हंड्रेड रुपीज एंड आई फील तो है सो so, मैंने लिए यहाँ सा एक लोअर उसके जस्ट आगे कोअ सेट्स मिल रहे थे इन डिफरेंट कलर्स जो कि अरबानिक पे मिलते हैं सो या ऑल्सो जैसे आप उसके आगे एकदम सीधे सीधे चलते जाना ओके सो okay? so, उसके आगे आप जॉगेटिक तो थड़ी मिलेगी टू हंड्रेड रुपीज़ के प्लाजो पैंट्स के दिज वर रियली गुड आई रियली लाइक दिस वाइट वंस ये हर किसी पर चलते बट ठीक uh, है मतलब मैं ले लेती हूँ और ये ब्लू वाले मेरे को लिटरली मृदुल तो शर्मा की याद दिलाए बिकॉज इट्स हर बॉडी टाइप एंड दीज काइंड ऑफ क्लोथ शी वेयर उसके आगे ही दूसरे शॉप पे मेरे को ये जैकेट्स और ब्लेजर्स देखे जो कि बहुत ही ट्रेंडी होते हैं एंड इनका फैब्रिक उनका मटेरियल इज़ रियली गुड डिज वो फॉर रुपीज़ टू हंड्रेड रुपीज़ एंड दिस स्कर्ट जो आप देख रहे हो ना ये थी थी थी। थी। भी अराउंड मेरे को वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड रुपीज़ पड़ रहा था एंड डिफरेंट साइज़ डिफरेंट लाइक यू नो डिज़ाइंस में अवेलेबल थे उसके बाद यहाँ पे एथनिक की शॉप थी इनकी शॉप का जो प्राइस था वो थोड़ा सा ज़्यादा था स्टार्टिंग वॉज़ रुपीज़ सिक्स फिफ्टी रुपीज़ ये कुर्ती वॉज़ फॉर रुपीज़ टू हंड्रेड रुपीज़ देन आगे मेरे को ये भैया मिले जो कि ये नेकलेस बेच रहे थे नेक पीसेस पेंडिंग जो भी कह लो हंड्रेड फॉर टू मेरे पास ऑलरेडी थे दो तो फिर मैंने यहाँ से इग्नोर करके मैं आगे बढ़ी उसके बाद आई सॉ दिस एथनिक वाले कंगन जो कि ना इसे राजस्थान और जयपुर में बहुत पहने जाते हैं ये ज्वेलरी भी मेरे पर बहुत अच्छी लग रही थी बट मैं यही सोच रही थी कि यार मैं पहनूँगी किस पे क्योंकि एथनिक के नाम पर मेरे पास दो या तीन ही कपड़े बट सुंदर बड़े लग रहे थे ऑल्सो uh, इनकी क्वालिटी इज़ लाइक नॉट दी बेस्ट रैशेज़ हो जाते हैं सो मैंने इग्नोर किया डिजाइन अच्छे थे बट ये जो पर्पल शेड दे रहा है ना मेरे आईज को वो मेरे को थोड़ा सा खटक रहा था मैंने कम से कम थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट शॉप पे स्पेंड किया जस्ट टू सी इज लुकिंग गुड ऑन मी बट देन द क्वालिटी मेरे को थोड़ी सी अजीब लग रही थी बिकॉज ऑफ देट पर्पल ग्लास और फिर मेरी नजर पड़ी ब्लैक ड्रेस पर हाई ये तो मेरा दिल जीत ले गई इतनी सुंदर लग रही थी बट इसका प्राइस वो रुपीज एटीन जो कि मेरे को ज्यादा लगा एंड आई एम श्योर आपको भी लग रहा होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या वो ड्रेस रुपीज एटीन फिफ्टी के वर्थेड है या नहीं फिर आगे बढ़ते लेफ्ट हैंड साइड पे आई सॉ दिस बैग की शॉप जो भैया बेच रहे थे रुपीज थ्री फिफ्टी में बट मे को बहुत ज़्यादा लगा सरोजनी के हिसाब से भैया बिल्कुल बार्गेनिंग करने के लिए रेडी थे ही नहीं फिर मैंने देखे ये दो कैप्स अपने लिए वाइट एंड ब्लैक मस्त लग रहे थे विंटर्स के लिए तो परफेक्ट थे स्पेशली वाइट वॉज लाइक आई वॉज इन लव विथ इट फिर ये बेल्ट मिल रही थी मेरे को ब्लैक वाली बेल्ट तो मुझे ठीक भी लगी ये बेल्ट तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लेना मेरे बाल फंस गए थे इसमें देव देवर नॉट एट ऑल गुड जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ी आई सॉ दिस शॉप जहाँ पे मिल रही थी ये टेम्परेचर मैट वाटर बॉटल इट वॉज़ फॉर रुपीज़ टू फिफ्टी अराउंड देन आई सॉ दिस ज्यूटी फुल ऑफ ग्लिटर एंड स्पार्कल आई एब्सोल्यूटली लव्ड इट एंड फॉर द दिसनिक लवर्स उनके लिए भी बहुत वेराटी थी यहाँ पे द प्राइस वॉज थ्री फिफ्टी बट वो बार्गेन करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे आई फील कि हाँ दिस वॉज़ वर्थ इट मेरे को एल वी का ड्यूब बैग भी मिला बट मेरे किस काम का बच्चों के लिए भी अच्छा कलेक्शन था देव जैक there 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 were was was too much, and there was too much much and of beer also होम huh? डेकोर के लिए भी बहुत सारी चीज अवेलेबल थी बेडशीट से लेके पिलो कवर सब कुछ आई सॉ दिस सेट दिस वॉज़ रियली गुड बट इसका फैब्रिक वॉज वेरी थिन मटीरियल विंटर के हिसाब से नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल इनके यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट वाइटीज़ ऑफ़ टॉप्स ग्रेटर टॉप्स अवेलेबल थे फॉर अराउंड एट फिफ्टी स्टार्टिंग था जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी ये पूरा सेट वॉज़ फॉर अराउंड टू हंड्रेड रुपीज़ आप उनसे लगवा भी सकते हो अगर आप दो या तीन लेते हो तो इन बल्क डिफरेंट वेराटी डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल थे आई रियली लव दिस पिंक वन फॉर आयरा मेरे को बड़ा ही क्यूट लगा बट साइज़ का थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा था इस टाइम पे क्योंकि मैं नवंबर के मंथ में गई थी मेरे को ना ज़्यादा कोट वे कोट की वेराइटी नहीं मिली टू बी फ्रैंक ये जैकेट तो अच्छी लग रही थी बट दिखने में अच्छी थी अंदर से इसका मटेरियल वाज नॉट गुड आ, अंदर थोड़ी गंदगी भी लगी हुई थी तो मैं क्यों ही प्रेफर करूँगी ऐसे ठेले पर तो आपको हाई नेक्स भी मिलेंगे मैंने लिए भी है बड़े सुंदर सुंदर फॉर रुपीज़ हंड्रेड वन फिफ्टी टू हंड्रेड इनके यहाँ पे इट वाज फॉर रुपीज़ हंड्रेड आप चेकआउट कर सकते हो देन आई लाइक दैट ब्लैक ड्रेस मटेरियल एंड दिस बैग्स साइड बैग्स बैग्सिंग बैग्स बहुत आजकल ट्रेंड में है सो so, या yeah, आपने तो सरोजनी की आइकॉनिक uh, वॉल देखी होगी एंड जिससे सरोजनी स्ट्रीट शॉपिंग नहीं करना है वो इन सेंस भी जा सकते हैं उनके पास बहुत वेराइटी ऑफ ड्रेसेस हैं बट हाँ उनके प्राइस वेरी करते हैं फॉर लाइक टू थाउजेंड एंड जैसे आप एक्सपुर करोगे ना ये आपको एथनिक वॉल में लेगी जहां पे डिफरेंट एथनिक फुल ऑन ड्रेसेस हैं फॉर सिक्स हंड्रेड अबव ऑल राइट गाइस सो ये छोटा सा टाइम लैप्स आप देख सकते हो मैंने क्या ही रिस्क लिया था संडे को सरोजनी आके बट ठीक है मैंने सब कुछ खरीद लिया फिर आई मैकडोनल्ड्स मील ऑर्डर किया क्योंकि भूख बहुत लग रही थी पिज्ज़ा पफ भी था उसमें सो या दिस वाज इट आप लोग प्लीज एपिसोड टू के लिए वेट करना इसके बाद आपको एपिसोड टू देखने को मिलेगा जहाँ पर मैं सारी ड्रेसेस ट्राई करूँगी प्राइस के साथ बताऊँगी आपको सो या गाइज दिस वॉज इट एंड स्टे ट्यून फॉर द सेकेंड पार्ट आई एम सो एक्साइटेड लॉर्ड ऑफ पंच शॉपिंग इतना मज़ा आया पेट पूजा भी कर लिए है एंड अभी मैं चली घर बट आई होप यू एंजॉय वॉचिंग टूडेज वीडियो ऑल्सो यू नीड टू रोली स्टे नियम फॉर पार्ट टू पार्ट टू और सरोजनी नगर हॉल वीडियो बिकॉज आई वी शो यू एवरी थिंग मैं क्या क्या लाई मतलब मैंने इतना खरीदा है ना इट विल भी रोली फन बहुत मज़ा आएगा फ्रॉम प्राइजेस टू लाइक फिट मैं सब कुछ बताऊँगी आपको आई एम साइनिंग ऑफ बट या सी विन मै नेक्स्ट वन बाई सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर